बोलो बेटी। मेरे पति की नौकरी चली गई है, मुझसे शादी की, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरी कुंडली के कारण ही वो इस तरह रोड पर आ गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लाओ वो कुंडली मुझे दो। तुम्हारे पति ने अनजाने में जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। मतलब? पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता का साथ जल्द छूट गया था, इसलिए तुमने चोरी की होगी, या फिर किसी सुखी जोड़े को तुमने जुदा कर दिया होगा। जब ऐसी गलती होती है तभी इस जन्म में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें ऐसी परेशानियां होती हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? पिछले जन्म की गलतियों के तौर पर तुम्हें इस जन्म में तुम्हें खुद को सजा देनी होगी। जब तक कोई बड़ी गलती नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। बड़ी गलती मतलब? तुम नहीं कर पाओगी, इस जन्म में यही तुम्हारी किस्मत है, चली जाओ। ऐसा मत कहिए, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिंदगी भर तुम्हें उस बात की सजा मिले ऐसा कुछ करना होगा, पर लगता नहीं ऐसा तुम कुछ कर पाओगी, चलो जाओ। कुछ भी करना पड़े परवाह नहीं, मैं करूंगी, बोलिए ना। सुनो, तुम्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाने होंगे। इतनी बड़ी सजा तुम अपने आप को दोगी तभी तुम्हारे पति की जिंदगी बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अरे देखने में तो गांव जैसा लग रहा है यार, ये एड्रेस तो करेक्ट है ना? हाँ हाँ हाँ, यही है यही है यही। सजावट तो बहुत अच्छी की है। शादी है ना, इतनी सजावट तो लाजमी है। ड्राइव करके थक गया हूँ यार, बदन अकड़ गया यार। अच्छा आ गए तुम लोग, वो फर्स्ट टाइम शादी है ना, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही है। फर्स्ट टाइम जो होती है उसे शादी कहते हैं, दूसरी टाइम जो होती है उसे शादी नहीं हवस कहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। आज तेरी शादी है और तू अभी तक तैयार नहीं हुई। काम की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। उसको बोल दिया था ना। अरे सुन, वो मंडप का काम देख लेना भाई, हो जाएगा। क्यों बेटी, अच्छी हो ना? नमस्ते अंकल। क्यों बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छा अंकल। क्यों बेटी, शहर में ऐसे ही कपड़े मिलते हैं या तुम जानबूझ के ऐसे ही खरीदती हो? नहीं अंकल, ये तो स्टाइल है ना। स्टाइल मतलब शरीर दिखाना है क्या, ये अच्छा लगता है? देखो बेटी, संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है, उसे अपनाने की आदत डालो, समझ गई ना? ठीक है अंकल। ए, वो फूल वहाँ क्यों फेंक दिए, ठीक से बांधो। ठीक है, सिटी में देखते हैं तो ये तो मर ही जाते हैं। ठीक है ठीक है, अंदर जाओ और जाके नहा धो के तैयार हो जाओ। जाओ अब, तुम भी जाओ बेटी। ठीक है पापा। चल, कैसे कपड़े हैं ये, कुछ भी बोलती रहती है। चल, वाह 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 वाह, इस विलेज के एटमॉस्फेयर में चिकन तंदूरी के साथ एक सिगरेट मिल जाए तो मजा आ जाए। कहाँ जा रहे हो तुम? ऊपर जाऊंगा तो पक्षी मिलेंगे ना, उनके साथ अपने दुख दर्द बांटूंगा, ये सब सिटी में तो होता नहीं है। सिगरेट पीने जा रहे हो ना? जब कोई बात पता होती है तो पूछा नहीं करते, अपना काम कर। लोग मूड चेंज करने के लिए लड़कियों का सहारा लेते हैं, लेकिन मैं म्यूजिक का। चलो मूड चेंज करता हूँ। मूड चेंज नहीं हो रहा यार। यार मजा नहीं आ रहा है।
मूड चेंज हो रहा है। म्यूजिक तो बस बहाना है, मूड तो लड़कियों से ही चेंज होता है। मुझे अपनी लाइफ की सारी फिल्म तुम्हारे साथ ही रिलीज करनी है। क्या कर रहा है प्रभु? अगर इसे देखने में टाइम वेस्ट कर दिया तो ये तेरी मिसिस कैसे बनेगी? अरे जा काम पे लग जा प्रभु। थोड़े यहाँ पर मेरे ठीक से लगाओ ना। इधर। अरे क्या हुआ, कहाँ? अरे चल तो सही। कहाँ? अरे रुक तो, कहाँ यार? हे रुक, कहाँ लेकर जा रहा है? मैं तुझे भगा के शादी नहीं करूंगा, चलना यार मेरे साथ। तू करेगा तो बता, मैं अभी शादी तोड़ दूंगी। अरे तेरी तो, तू तो शादी कर रही है ना, थोड़ा सा मेरा भी भला कर दे। तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ चला जा। अरे लेकर कहाँ जा रहे हो पहले ये तो बताओ, मुझे यहाँ पर क्यों लाया हो? इस घर में तू किसी को जानती है क्या? देखो एक गांव है, यहाँ सभी एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा तो फिर अंदर चलते हैं। अरे अरे अंदर क्यों? आना यार। किसी से कुछ बात करना, मैं अपना काम करता हूँ। चल क्यों नहीं? क्यों बेटी, यहाँ कैसे आना? अंकल वो मैं कल शादी है ना, उसी का आपको न्योता देने आई थी। तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी, हम आए बिना रह सकते हैं क्या बेटी? और बताओ बेटी। हेलो, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ। नेटवर्क नहीं मिल रहा है, टेरेस पे जाके बात कर लूं? यहाँ बगल से ऊपर सीढ़ियां जाती हैं, वहां जाकर बात। ठीक है आप इससे बात करिए, मैं ऊपर बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं मिल रहा यार। अरे मेरा नेटवर्क तो मिल जाएगा। अरे मिल गई। कहाँ चली गई? कहाँ है यार? मैंने तो उसे यहीं देखा था, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? कहाँ गायब हो गई यार? रात को मैंने इतनी पी भी नहीं थी तो इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये वही छत है ना? यही छत थी या कोई दूसरी? हाँ मुंबई में ही। पापा ने बताया था बेटा। हाँ। सिग्नल मिल गया बेटा? हाँ अंकल मिल गया। अच्छा वो ऊपर कपड़े क्यों गिरे हुए हैं? अच्छा हाँ? कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। सुंदरी बेटी सुंदरी। हाँ टीवी ऑन हो गया। बोलिए पापा। छत पर कपड़े नीचे गिर गए हैं, जाकर देख लो बेटी, जाओ जाकर देखो। ठीक है पापा। आपकी बेटी है अंकल ये? हाँ बेटा। बहुत खूबसूरत है, मतलब संस्कारी है। हाँ। और बताओ बेटा क्या हाल है? दोबारा फोन आ रहा है, ऊपर जाऊं क्या? हाँ हाँ जाओ जाओ। हेलो हेलो। इस बच्चे का फोन बहुत आता है, वो ऑफिस के कॉल। अच्छा, से तो
मुझे मेरी बीवी मिल गई। अबे तू उसे ढंग से जानता भी नहीं है, उसे अपनी बीवी बोल रहा है तू, गधा कहीं का। चढ़ गई इसे तो। ये क्या हुआ इसे? मेरी बीवी को तू गांव की लड़की बोल रहा है, भाभी के बारे में गलत बात बोलता है। अरे सॉरी। कितना प्यारा नाम है, सुंदरी 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 मेरी जान है तू, तेरे साथ में दुनिया। सुंदरी क्या? हाँ? तू सुंदरी है? हाँ? मैं गाना गा के बुला रहा था और तुम सामने आ गई। मैं सुंदरी हूँ क्या? ये तो सर्कस के बंदर की तरह कॉमेडी करने लग गया यार। आई एम कमिंग सुंदरी। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? क्या क्या रही? मैंने ये तय कर लिया है, तुम मेरी हो और मेरी ही हो। देखो तुम गलत मत समझना सुंदरी, एक्चुअली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो इन बच्चों से कहीं ज्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा सुंदरी। मुझ पे भरोसा करो सुंदरी, हमारी शादी के बाद सब चलो चलो चलेंगे। देख लेना तुम सुंदरी, चलो चलो चलो, मैं तुम्हें अपनी इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, चलो निकल गए ये भगवान करे, चलो चलो हम लोग चलते हैं। आ जाओ। ये दारू और सिगरेट का क्या? तुम कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा इसे, शादी के बाद छोड़ दूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे। तुम्हारी गोद में सर रखूं क्या? मैं तुम्हारी गोद में अपना सर रख रहा हूँ। इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला, आज तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं, सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आई लव यू सुंदरी, आई लव यू सुंदरी, मेरी सुंदरी आ जाओ तुम सुंदरी। सुनिए 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 ना, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं, सुनिए सुनिए, उठिए ना, आप उठ जाइए, अब वहां आपको बुला रहे हैं। सुंदरी सुंदरी तुम सच में आ गई सुंदरी? अरे बाप रे, ये सपना नहीं है। अरे सॉरी सुंदरी, तुम गलत मत समझना, मैंने सोचा मैं सपना देख रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, गलत मत समझना प्लीज, सॉरी प्लीज। मेरी बेटी ने उसे मारा ये गलत नहीं है, पर उसने जो किया वो भी तो गलत ही है ना? हाँ शंकर साहब, मैंने भी वही बात पूछी थी, पर इसने एक ही बात बोली कि वो आपकी बेटी से शादी करेगा, इसलिए आए हैं। महीने की 1 लाख तनख्वाह है, पर माता पिता नहीं अकेला है, इसे मैंने ही पाला पोसा है। मैं आपके पास यहाँ गांव के सरपंच की हैसियत से नहीं आया, इसका घर बस जाए बस इसीलिए आया हूँ। सरपंच जी आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन ये मेरी इकलौती बेटी है, हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे कर सकते हैं? आपकी बेटी सोना है शंकर साहब, मना नहीं करूंगा, सोने को घर में रखिए लक्ष्मी बढ़ेगी, शादी के लायक लड़की को घर पे रखेंगे तो बोझ बढ़ेगा। इन्हें सिगरेट दारू की आदत है। अरे मैं छोड़ दूंगा, शादी होने के बाद छोड़ दूंगा। देख जरा क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ। अगर सुंदरी मिल जाएगी तो इन सब की क्या जरूरत। Thank you.
अंदर आओ सुंदरी। इतना बड़ा घर है आपका? आपका नहीं, हमारा। चलो। ठीक है, तुम अंदर जाके फ्रेश हो जाओ। ऊपर एक रूम और है, मैं वहां फ्रेश हो जाता हूँ। टिंग 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 टिंग। फर्स्ट नाइट की नर्वसनेस, राइट? एक्चुअली ये सब मैं भी पहली बार करने जा रहा हूं, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे तो। ये क्या है, कुछ गलत बोल दिया क्या? डर लग रहा है। यहां हो सुंदरी, चलो डरो मत, चलो वहां बैठो, बैठ जाओ। सुंदरी, मेरे हिसाब से पहले तुमने किसी आदमी के साथ अपना सुख दुख खुशियां बांटी होंगी तो वो तुम्हारे पापा ही होंगे, लेकिन आज तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कैसा लग रहा होगा मैं वो समझ सकता हूं। जल्दबाजी कर दी मैंने, गधा हूं ना, टाइम से पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। अरे तुम डरो मत, तुम यहां आराम से सो सकती हो, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगा। अब टॉवल लेना है, टॉवल। गुड नाइट सुंदरी। टिंग टिंग। सुंदरी नाश्ता लगाओ। सुंदरी ओ नहा रही है शायद। सुंदरी कहाँ चली गई है? सुंदरी ये भला कहां जा सकती है? रात में तो कह रही थी बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर छोड़ के चली तो नहीं गई? अब सुंदरी यहां क्या कर रही हो तुम? मैं यहां नहीं रह पाऊंगी, मुझे मेरे गांव छोड़ाइए ना। सुंदरी शादी होने के बाद हर लड़की के साथ ऐसा ही होता है, अगर ऐसे में सब लोग घर जाने लग गए तो किसी का परिवार आगे ग्रोथ कैसे करेगा? सुंदरी पागलों की तरह मत सोचो, चलो घर चलते हैं। चलो ना, उठो, चलो चलते हैं। हाय। हाय अनीता। क्या प्रभु, तुम्हारी शादी के बाद सोशल साइट पर पढ़ूं क्या? अगर बताता तो मैं भी आ जाती। भूल गया क्या मुझे? नहीं, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। ये मेरी वाइफ सुंदरी। हाँ देखा है, फोटोज में बहुत अच्छी दिख रही थी। ये नई जगह पे आई है तो ये अभी थोड़ी डरी हुई है, तो मेरे आने तक इसे अपने साथ रख लोगी? या नो प्रॉब्लम। ओह थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। हे इट्स ओके। योगी नहीं है क्या? योगी नहाने गया है। ओके ठीक है, शाम तक मैं घर आ जाऊंगा, तुम डरना मत, आराम से रहना। आओ सुंदरी।
सुंदरी, इसे भी अपना ही घर समझना, डरो मत। आओ बैठो। तो क्या लोगी तुम? टी, कॉफी, जूस? ऐसे क्या देख रही है सुंदरी? सुंदरी, अरे क्या देख रही हो? कुछ नहीं चाहिए। ओके, ऑफिस का एक मेल करके आती हूँ, तुम बैठो। ये क्यों फोन कर रही है यार? हेलो, हाँ बोलना। क्यों, कैसी रही तेरी फर्स्ट नाइट? फर्स्ट नाइट कोई मूवी है क्या जो तुझे एक्सप्लेन करूं? मूवी ही तो है ना, मेरे तो 3 शोज हो गए। ए, तू लड़की भी है या नहीं? किसी लड़के के साथ इस तरह की बातें करते हैं क्या? ए, फ्रेंड मतलब लड़का या लड़की एक ही होता है। तुझसे कोई नहीं जी सकता। ठीक है तो बता कितने शोज हो गए तेरे? हाँ हुए ना, हो गए 2 शोज हो गए। चल ठीक है, फोन रख रहा हूँ। मेरी शादी होने के बाद मेरे पहले झूठ की शुरुआत हो चुकी है। हेलो, कौन हो तुम? अनिता, अनिता। हाँ आती हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, अंदर जाओ। अरे तुम मुझे छोड़ो, ये बताओ ये कौन है? ये हमारे प्रभु की वाइफ सुंदरी है। ओहो, फेसबुक पे देखा था। बहुत सुंदर है। ए सुंदरी, यू आर सो ब्यूटीफुल। बहुत कॉम्प्लीमेंट दे दिया। शर्ट पहनो। घर में ऐसे नहीं रहूंगा तो कैसे रहूंगा? क्या तुम औरतें? मैं सुंदरी के घर रहूंगी, कीज देकर जाना। हाँ ठीक है ठीक है। सुंदरी चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, चलो। वैसे आपके पति ने इंग्लिश में क्या कहा था? अच्छा, उन्होंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। गलत है ना जी, दूसरों की बीवी को ऐसे कहना। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी, वो तो बस एक कॉम्प्लीमेंट था। मतलब? तारीफ, तारीफ करना। वैसे उनकी बीवी होकर मुझे कुछ नहीं लगा। चलो कॉफी पीते हुए बात करते हैं। कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट हुई फिर भी तुम्हारा डर नहीं गया, इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। सुंदरी शादी के बाद जल्द से फर्स्ट नाइट क्यों रखते हैं पता है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं पता। औरत के लिए उसका चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो पति को देने के बाद वही हमारे लिए सब कुछ है ये हमें पता चलता है। तभी हमारी माँ, पिता, बहन, भाई, रिश्तेदार, ऐसे जितने भी लोग होते हैं सभी हमसे दूर हो जाते हैं। इन सभी को हम एक ही इंसान में देख पाते हैं और वो है पति। तुम्हारे बीच जब तक वो नहीं होगा तुम पति को उस नजर से देख नहीं पाओगी, तुम्हारा डर भी नहीं जाएगा। जरा सोच कर देखो। अरे बाप रे, ये यहाँ और मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल रही है, डर चला गया क्या इसका? लगता है इसका मूड अच्छा है, पूछने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्या हुआ जी, यहाँ क्यों रुक गए? बेसिकली जब बैचलर था तो अकेले किचन में जाके कॉफी बना के पीता था, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो तुम अपने हाथों से कॉफी बनाओ, बस यही छोटी सी डिजायर है मेरी। आप ना कर आइए ना, मैं बनाती हूँ। हाँ आज रात सब होने की गारंटी है। धीरे धीरे पूरे घर की आदत लग रही है। अब आएगा मजा। इतने दिनों से अपनी बैचलर लाइफ से परेशान हो गया था मैं। शादी के बाद कंफर्ट का लेवल अलग ही होता है, बीवी कॉफी पिलाती है, गर्मा गर्म खाना मिलता है। सच कहूं ना तो धरती का स्वर्ग बीवी के साथ ही होता है। सच में। इस टाइम पे कौन आ गया यार?
यो ब्रो, हाय रितेश, क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? ओह शिट, बाहर बहुत मच्छर है ना। कुछ नहीं ब्रो, घर के सारे गेम्स खेल लिए, बहुत बोर हो गया हो। तेरे पास कोई गेम है तो देना मुझे। ऑफिस की टेंशन में कोई गेम खेलता है क्या? मैंने पैक करके सब ऊपर फेंक दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेके आता हूँ। ओके सुंदरी, ये रितेश है, हमारे नीचे वाले फ्लैट में रहता है, बहुत अच्छा गेमर है, नए रिसर्च कर रहा है गेम बनाने के लिए। चल कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं लेके आता हूँ। हाय। ये ले भाई। थैंक्स ब्रो। जाके मजे कर। मजे करने वाला मैं नहीं हूं ब्रो, वो तो तू है ब्रो। किस लिए भाई? मैडम मामूली नहीं है। अबे तेरी तो बहुत ज्यादा बाल खराब हो जाएगी। हां दिमाग खराब है। वहां सबके साथ रहती थी, यहां अकेले रह रही हो, बोर तो नहीं हो रही हो ना? ठीक है चलो टीवी देखते हैं। हां आओ ना। क्या हो गया इसे? अरे बाप रे मम्मी। वो पेन ड्राइव निकालना भूल गया था। एक्चुअली इतने दिनों से यहां अकेला ही रहता था ना, तो कहीं मेरा दिल ना बहक जाए इसलिए कभी कभी ये सब देख लिया करता था। आपको इसकी क्या जरूरत, आपकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, शादी तो हो गई है। हाँ? 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 बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है जो सबको दे दिया जाए। उसके लिए थोड़ी क्वालिटीज होनी चाहिए। एफिशिएंसी, सिंसियरिटी, रिस्पेक्ट, टाइम पंक्चुअलिटी। इन चार क्वालिटीज के कारण प्रभु को अवार्ड मिला है। आई होप यू कंटिन्यू विद दिस। डेफिनेटली सर। अवार्ड मिला है इसलिए तुम जॉब को इजीली लोगे तो जॉब भी तुम्हें इजीली लेगा। गुड लक। हे प्रभु, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। अब क्या कहूं, ये तो उनका बड़प्पन है। उन्होंने जो भी बोला, एक भी क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर। चल वो सब छोड़, अवार्ड मिल गया ना, शैंपेन कहां पीनी है? अरे यहां वहां क्यों यार, वैसे भी आजकल मेरी कंडीशन अच्छी है, आराम से घर पे बैठ के पियेंगे, असली मजा तो वहीं आएगा। शाम को आ जा, फिक्स कर ले, हम लोग आ जाएंगे। हेलो। हेलो सुंदरी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, साफ सफाई कर रही थी। hey, आज मुझे ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं ऑफिस में बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया है। अच्छी बात है। सुंदरी फ्रेंड्स पार्टी मांग रहे हैं, मैंने उन्हें घर पे आने के लिए बोल दिया है। बाहर क्यों जाना? शादी करते समय मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, बस आज लास्ट टाइम पीऊंगा, प्लीज। ठीक है। सुंदरी वो आज मुझे लेट हो जाएगा आने में, अगर तुम बुरा ना मानो तो चिकन लेके आ जाओगी क्या, और अपने हाथों से बना देना। ठीक है जी। सच में कमाल हो तुम। हाय सुंदरी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है, उनके दोस्त आने वाले हैं, चिकन लाने को कहा है, पर मुझे नहीं पता कहाँ मिलता है। चिकन शॉप तो पास में ही है, वॉचमैन को पूछोगे तो बताएगा। मैं अभी ऑफिस का काम कर रही हूँ, सो मैं अभी नहीं आ सकती, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। Mm-hmm.
हाय मैडम, आप यहाँ कैसे? उन्होंने चिकन लाने को कहा है, पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है मुझे नहीं पता। तो ओह, चिकन ही है ना? कोई बात नहीं, मेरे साथ आइए, यूं जाके यूं आ जाएंगे। चलो आ जाओ। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मेरे कपड़े गंदे तो नहीं है ना? नहीं जी, अब पैदल चली जाऊंगी। ओह, गाड़ी पे बैठोगी तो मुझे छूना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, सो लॉक करके वॉक करते हैं। मैं पार्क करके अभी आता हूँ, ओके? मैडम, आप सच में गांव से हो क्या? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो गांव में भी इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, इसलिए पूछा। पहले अपनी उम्र तो देखो। उम्र का क्या है मैडम, 40 इयर्स मैन को 20 इयर्स वुमन चाहिए, 20 इयर्स वुमन को 40 इयर्स मैन चाहिए। असल में बाहर की दुनिया अलग ही है, इट्स वेरी क्रेजी, यू नो। क्रेजी मतलब? क्रेजी मतलब, एक्चुअली मुझे भी हिंदी में नहीं पता। तुमने जो कहा, तुम्हें उसका मतलब भी नहीं पता, और सब ऐसा ही सोचते होंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो, गलत है ना? गलत क्या है मैडम, पर्सनली जो मैं फील करता हूँ पब्लिक के बारे में, पब्लिक भी ऐसा ही फील कर रही है ऐसा मैं प्राइवेटली फील कर रहा हूँ। क्या कहा, मैं समझी नहीं। बाप रे, ये सब हिंदी में बोलना पड़ेगा तो मुझे हिंदी मीडियम ज्वाइन करना होगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो देखो, शॉप आ गई, प्लीज। हाय सुंदरी, आओ ना। हाय। हेलो। ये सब मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, हमारी शादी में भी आए थे, याद है ना? जी। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर स्टार्ट किया जाए, तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? मैं लेकर आती हूँ। जाओ, आओ ना, आओ। चलो। हे, तुम्हारी वाइफ को बुरा तो नहीं लगेगा ना? बुरा लगा होता तो घर क्यों बुलाता? फील फ्री गाइस, इसे अपना ही घर समझना और जम के पीना। चीयर्स गाइस। चीयर्स। शादी के बाद मैं बहुत मोटा हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? हाँ। बना बनाया खाना जो मिलता है। शादी के बाद लोग मोटे हो जाते हैं यार। ता 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 ता। क्या यार, ऐसे छोटे छोटे पैक क्यों बना रहा है यार? तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है यार। अरे क्या हो गया भाई? क्या कर रहा? अरे बताना। अभी देखो, ठीक है। अरे बोल ना। मेरी बात सुन, तू कंपनी में अचार है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं, अगर दोबारा ऐसी बात की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। वो मेरी बीवी है, उसके लिए ऐसी बात मुझे बर्दाश्त नहीं है। दोबारा ऐसा बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे ये क्या, हम यहां पार्टी करने आए हैं तो पार्टी करते हैं ना। सॉरी सर, सॉरी, बुरा मत मानिएगा, ओके? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आई एम रियली सॉरी। हां, चल चल, ओके, आई एम रियली सॉरी। हां, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हैव इट, हैव इट। तो एकदम से यू टर्न ले लिया। रात को बहुत ज्यादा पीली थी लग रहा है। सॉरी जानू, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपके लिए कुछ करने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, बाय। हाय सुंदरी। अनीता जी, कैसे आना हुआ? लंच बना लिया तुमने? नहीं। तुम्हारे लिए टेस्टी सांभर लेकर आई हूँ, खाकर बताना कि कैसा है। ठीक है, बाय। कर खाने को मन करता है। hmm.
और रितेश कैसे आना हुआ? सीडी वापस करनी थी। ठीक है, वहां पर रख दो। आज मुझे ऐसे ही अर्जेंटली वॉशरूम जाके वर्कआउट करना होगा। क्या हुआ जी, कोई परेशानी? जॉब चली गई है सुंदरी, कमीना कहीं का। उसे चार ने जानबूझ के निकाला मुझे, कमीना कहीं का। ये बताओ, छोटी सी गलती होने पे कोई किसी को जॉब से निकालता है क्या? पूछने पे 100 वजह बता रहा था। वैसे भी मुझे 1,00,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती है, ये कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे कहीं भी जॉब मिल जाएगी। इसे क्या लगता है इसकी कंपनी शहर में सबसे बड़ी कंपनी है क्या? कमीना कमीना कहीं का। सुंदरी, तुम इन सब की टेंशन मत लो। वो जॉब जाने की फ्रस्ट्रेशन, तुम अंदर जाके सो जाओ, ठीक है? मैं भी थोड़ी टेंशन में हूं, बाद में ठीक हो जाऊंगा। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, साड़ी में कितनी सेक्सी लग रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरी वाइफ है। सॉरी सुंदरी, क्या हुआ सुंदरी? वो टिफिन लौटाने आई थी। मिस हो गई यार। क्या जी, आप सुबह सुबह पी रहे हैं? सिर्फ रात में पी सकते हैं, ऐसा इस पे लिखा है क्या? जाओ जाके खाने के लिए कुछ लेके आओ। सुंदरी एक मिनट रुको, बैठो यहां। एक्चुअली मैं नहीं पीऊंगा, तुमसे वादा किया था, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है। अगर कुछ दिन ऐसा ही रहा तो मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मैं जब
डिप्रेशन में जाता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। वो मैं ये सब भूलने के लिए ही पीने लग गया हूं। प्लीज बुरा मत मानना। हर महीने लाख रुपए अकाउंट में आ जाते थे, लेकिन अब अकाउंट में एक रुपए भी नहीं आ रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुंदरी। ये हो क्या रहा है? इतनी कंपनियां घूम ली मैंने, आखिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है? ए, कैसे भी करके मैं 4 लाख का इंतजाम कर लूंगा। बैकडोर से जॉब ढूंढना यार, सिचुएशन बद से बदतर हो रही है। ये शादी के रिश्ते देखना बहुत ही मुश्किल काम है। लड़के को पसंद आता है तो लड़की को पसंद नहीं आता, लड़की को पसंद आता है तो लड़के को पसंद नहीं आता। वैसे आपके लड़के के लिए रिश्ता देखने की जिम्मेदारी आपने मुझ पर छोड़ी थी ना, इसलिए मेहनत करके मैंने एक अच्छा रिश्ता देखा है। कहो तो लड़की दिखाऊं? हाँ दिखाइए पंडित। हाँ ये लीजिए, देखिए लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत पैसे वाला घर है। लड़की तो सुंदर है, आपको दहेज भी अच्छा मिलेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बेटे ने पैसा नहीं देखा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप तो कुंडली मंगवाइए। आजकल कुंडलियों के बारे में कौन सोचता है? मैं सोचता हूँ, शादी के लिए कुंडली जरूरी है। देखिए पंडित जी, मेरा बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाता है, कुंडली मिलाए बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे, इसीलिए कुंडली मिलानी जरूरी है, वरना शादी नहीं होगी। ये तो आपने सही कहा, आजकल वैसे कुंडलियों के बारे में कौन सोचता है। मैं सोचता हूँ कुंडली मिलाना जरूरी है। हाँ ये बात, मेरा बेटा 2 लाख रुपए महीने कमाता है, कुंडली मैच किए बगैर शादी नहीं होगी। कुंडली मिलाए बगैर शादी नहीं होगी। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे, कुंडली मिलाए बगैर मैं शादी नहीं कर सकता। कुंडली मिलाना बहुत जरूरी है। आप तो बस उसकी कुंडली मंगवाइए। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे। आप तो बस उसकी कुंडली मंगवाइए। दो महीने में रोड पर आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। गांव में तुम्हारी सुंदरता देख के मैं पागल हो गया था। मैंने बेवजह तुमसे शादी कर ली, बिना किसी पंडित से पूछे कुंडली मिलाए मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मैं पहले अनाउंस जरूर था लेकिन कभी रोड पे नहीं आया था, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद तुरंत बाद मैं रोड पे आ गया। गलती मेरी ही है, तुमको देखते ही तुमसे शादी करने की जो ठान ली थी। मुझे पता होता तुम मुसीबत बन के आओगी तो कभी शादी ही नहीं करता। तुम्हें पता है कुंडली मिलाना बहुत जरूरी होता है। तुमसे शादी करने से पहले मैंने कुंडली दिखा ली होती ना तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वैसे भी अगर मेरे माँ बाप होते ना तो वो ये सब जरूर करते। तुम्हारे तो माँ बाप है ना, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हेलो पापा, क्या हुआ बेटी इस समय? इनकी नौकरी चली गई है, मुझसे शादी की इसलिए चली गई। कहते मेरी कुंडली की वजह से ये रोड पर आ गए हैं पापा। मेरी क्या गलती है? मैं इनकी जिंदगी में नहीं आई थी ना, वो खुद ही तो मुझे अपनी जिंदगी में लाए। तुम कुछ मत सोचो बेटी, उसका कोई नहीं है ना, गुस्सा हो या प्यार हो, तुम पर नहीं तो और किस पर निकालेगा।
एक काम करो, पास में अगर कोई ज्योतिषी हो तो उससे जाकर मिलो, जाके कुंडली दिखाओ। जो करने को कहें वो करना। ठीक है पापा। हाँ माँ, मैं ज्योतिष के पास ही आई हूँ। कहा ना, जब से हमारी शादी हुई है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुंडली अगर नहीं मिलती है तो ऐसा होता है कहते हैं। ये ज्योतिषी जैसा कहते हैं वैसा ही होता है, इसलिए यहाँ आई हूँ माँ। ठीक है माँ, उनसे मिलने के बाद मैं आपको कॉल करूँगी। आप आइए, बुला रहे हैं। ठीक है। सुनिए, अब आप आइए। बोलो बेटी। मेरे पति की नौकरी चली गई है, मुझसे शादी की, इसलिए ये सब हो रहा है। मेरी कुंडली के कारण ही वो इस तरह रोड पर आ गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लाओ वो कुंडली मुझे दो। तुम्हारे पति ने अनजाने में जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। मतलब? पिछले जन्म में तुम्हारे माता पिता का साथ जल्द छूट गया था, इसलिए तुमने चोरी की होगी, या फिर किसी सुखी जोड़े को तुमने जुदा कर दिया होगा। जब ऐसी गलती होती है तभी इस जन्म में जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें ऐसी परेशानियां होती है। तो अब मुझे क्या करना होगा? पिछले जन्म की गलतियों के तौर पर तुम्हें इस जन्म में तुम्हें खुद को सजा देनी होगी। जब तक कोई बड़ी गलती नहीं करोगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। बड़ी गलती मतलब? तुम नहीं कर पाओगी इस जन्म में, यही तुम्हारी किस्मत है, चली जाओ। ऐसा मत कहिए, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिंदगी भर तुम्हें उस बात की सजा मिले ऐसा कुछ करना होगा, पर लगता नहीं ऐसा तुम कुछ कर पाओगी। चलो जाओ। कुछ भी करना पड़े परवाह नहीं, मैं करूंगी, बोलिए ना। सुनो, तुम्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाने होंगे। इतनी बड़ी सजा तुम अपने आप को दोगी तभी तुम्हारे पति की जिंदगी बदलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब तुम जा सकती हो।
सुंदरी, सुंदरी मैं वॉक पर जा रही हूं, तुम चलोगी? इतनी उदास क्यों लग रही हो? इनकी नौकरी चली गई है। ओह नो, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, रोज पीते हैं, पूछती हूँ तो चिल्लाते हैं, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। संभल के सुंदरी, वो बहुत ही सेंसिटिव है, तुम्हारी शादी से पहले भी 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। हम टाइम पर पहुंच गए थे इसलिए हम जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गए। आओ सुंदरी। क्यों ऐसा किया था उन्होंने? जब हमने पूछा तब जॉब टेंशन, मनी टेंशन कह रहा था, इससे ज्यादा और क्या टेंशन होगी। इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा किया? प्रॉब्लम हमारी ना हो तो छोटी ही लगती है, जब हमारी होती है तो बहुत बड़ी लगती है। तुम कैसे टैकल करते हो ये जरूरी है। आप कुंडली में विश्वास करती हैं? जिंदगी से जो डरते हैं ना, वो ये सब बातें मानते हैं। डर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। सर वो आपने ओलेक्स पैड डाला था ना सोफे के लिए, आए हो क्या? हाँ वो रहा। सर सब अच्छा है लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है? आपने 25K डाला था, पर 20 में देंगे क्या? क्या यार, 75,000 में खरीदा था, अभी मेरी कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए बेच रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है लो, नहीं तो जाओ। ये हमें पसंद है सर, मैं आपको जीपे कर देता हूँ, कल मॉर्निंग में मेरे लोग आकर ले जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, जाओ। क्यों ये सब बेच रहे हैं? तो और करूँ भी क्या मैं, मेरे पास अभी कोई काम नहीं और तुम भी किसी काम की हो नहीं। ये ना करूँ तो और क्या करूँ, जब पैसे थे तो खरीदा था, बेच रहा हूँ, और यही सच्चाई है। जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। देखो मेरी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है, और हाँ वो जो तुम्हारे गले में चमक रहा है ना मंगलसूत्र, हाँ वो भी मुझे बेचना पड़ सकता है। अरे जाओ ना यार जाओ, एक तो दिमाग ठीक नहीं है, ऊपर से बहस कर रही है। ओह लगता है ले गए, कम से कम आखिरी बार उसे देख तो लेने दिया होता। 2017 की मॉडल है, सिंगल हैंड यूज किया है, नई खरीदोगे तो 10 लाख की मिलेगी, कम से कम 5 लाख तो देना यार, ऊपर से कोई रिपेयरिंग का खर्चा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी रेट होता है एक बार मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है, चल बाय। हाँ एक मिनट, कार भी बेच रहे हैं क्या? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, बेचू नहीं तो क्या करूं? सुनिए ना, 4 दिन रुक जाइए ना, अपने पापा से मांग कर देखती हूँ। तुम्हारे पापा? वो घर की टपकती छत तो बनवा नहीं पा रहे हैं, तो मेरी क्या हेल्प करेंगे। वैसे भी मैंने बिना सोचे शादी की है, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी ही सुंदरी, इसे सहना पड़ेगा, और अगर इसे नहीं सहूंगा तो मर जाऊंगा। हेलो पापा। सुंदरी बोलो बेटी। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अब क्या कहूं बेटी, मेरी भी हालत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, फोन रखता हूं बेटी। मैं जब डिप्रेशन में जाता हूं ना तो मेरा दिल सुसाइड करने को कहता है। तुम्हें अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाने होंगे,
तुमसे शादी करके गलती कर दी मैंने। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। बोलिए मैम। ये कितने का है? ये फुल सेट है मैम, हील्स के साथ में। 4,000 रुपीज ओनली मैम।
सर मैं जानता हूं उस दिन मैंने जो आपसे बात कही थी उससे आप हर्ट हुए हैं, लेकिन उस दिन मैंने जो भी कहा अपनी बीवी के प्यार की वजह से कहा। आपने उस बात को दिल से लगा लिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। सर प्रभु, तुम पर गुस्सा होता तो तुम्हारे बुलाने पर मैं तुम्हारे घर नहीं आता। उस दिन बस मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। वैसे भी तुम्हारी नौकरी जाने के पीछे मैं कारण नहीं हूं। एक बड़ी कंपनी में तुम्हारी कोडिंग टेस्टिंग के लिए भेजी थी, वहां एक छोटा सा एरर आ गया, इसलिए निकाल दिया तुम्हें। सर कुछ भी करके मुझे मेरी जॉब दिलवा दीजिए ना। प्रभु हर रोज तुम्हारा नाम रिकमेंड कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। लीजिए ना सर, लीजिए। वॉश बेसिन कहाँ? सर वहां किचन में कर लीजिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। हाँ सच में बहुत खूबसूरत होता है। क्या हो रहा है ये? हाँ ये वॉश बेसिन का? सर वहां किचन में कर लीजिए, मैं वॉशरूम होके आता हूं। सुनिए जी। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? हर बात पे डरती रहती है। आप चलिए ना सर। ओके। ओ जिंदगी मुझको थोड़ी राहत दे दे, तुझसे है ये प्रार्थना, इतने सारे दुख तू मुझको ना दे, मुझ पे रहम तू कर देना। देखो मेरे हाल को, हाथ में मेरे कुछ भी ना, कैसा है ये जीना, कैसा है मरना, टूटी है हर तमन्ना, बचे न कोई रास्ता, हर कोई चाहता है मुझको मिटाना। मौसम मौसम तेरा भी कभी तो आएगा, बंधन बंधन ना कभी ये टूटेगा। मौसम मौसम तेरा भी कभी तो आएगा, बंधन बंधन ना कभी ये टूटेगा।
जो भी देखे वो ही बोले होना है तेरी तरह, लोगों की ना कर परवाह, वक्त तेरा आएगा, अपने आंसुओं को ना इस तरह से तू बहा। आंखें हैं नम, टूटे हैं हम, बिखरे हैं हम, ये कोई ना समझेगा, खोए हैं हम, जलता है मन, कैसा है गम, ये कोई न जानेगा। तुम मेरे पास होना, रोता है अब हर कोना, लगता है जान लेगा ये दिल। दिल की बात अब सुन लो, मिलेंगे फिर से हम, रोके ना रोकेगा अब ये दिल। मौसम मौसम तेरा भी कभी तो आएगा, बंधन बंधन ना कभी ये टूटेगा। मौसम मौसम तेरा भी कभी तो आएगा, बंधन बंधन ना कभी ये टूटेगा। हेलो मैडम, आप यहाँ कैसे? ऑटो। किस लिए? सर्फ लाना है। बाइक की बैक सीट खाली है, बैठोगी तो चले चलेंगे। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है, पैंट पहन के आया तो हूँ। ओह, आप नहीं बैठोगी ना? ठीक है ओके, फिर से लॉक करके वॉक करते हैं, मैं पा करके आता हूँ। नहीं, बैठ जाऊंगी। हाँ बैठिए ना। कभी कभी सपने पूरे होते, मतलब धीरे धीरे बात बन रही है। आप आराम से बैठ गई ना? लेट्स गो। उतर जाइए, आप जाइए। अरे मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ, मैं मेडिकल शॉप जाकर आता हूँ, आप जाकर सर्फ ले आइए, आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे, ओके ना? प्लीज। पता नहीं आज मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है ना, अब पता नहीं और क्या होने वाला है। अरे मैडम, आप क्यों सामान उठा रही हैं? लाइए। कोई बात नहीं, ये सब करने के लिए आपके साथ मैं हूं ना। ओके बाय बाय, सी यू। एक मिनट। यप। इससे पहले आप मेडिकल स्टोर में गए थे ना? हाँ। किसी की तबीयत खराब है क्या? मेरी ही तबीयत ठीक नहीं है, 401 में आंटी मेरा वेट कर रही है। गलत है ना? गलत क्या है मैडम, वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारे बारे में मैंने कितनी बार सोचा है पता है? हे, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे गलत मत समझना। वैसे भी कुछ करेंगे तभी गलत है, सोचने में कुछ भी गलत नहीं है। या सी यू बाय। रितेश। यप। ये थोड़ा ऊपर पहुंचाने में मदद करेंगे? मैं तो हूं ही आप जैसे लोगों की मदद करने के लिए। कम ऑन लेट्स गो। आप ये साड़ियां कहां से खरीदती हैं? आप इसमें बहुत सुंदर दिखती हैं, पता है? बुला सकती हो ना? बुलाती तो कितना अच्छा होता,
मजा आ जाता। रितेश। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुमने मुझे बुलाया क्या? तुमने सच में मेरे बारे में वैसी कल्पना की है? क्या बात कर रहे हो मैडम, असल में आपके बारे में ऐसा सोचने वाला दुनिया में कोई मर्द हो ही नहीं सकता। कभी अगर तुमसे बात करनी हो तो या श्योर आई विल गिव यू माय मेरा फोन नंबर देता हूँ, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मेरे पास फोन नहीं है। ओके जस्ट 10 मिनट्स। हाँ 10 मिनट्स। यू क्या यू आया जस्ट 10 मिनट्स। हाँ हो गया, पट गई समझो। यहाँ है, ये रहा फोन, इसमें सिर्फ मेरा ही नंबर है और इसे व्हाट्सएप कहते हैं। थोड़ा दूर बैठो ना। ओ, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। ठीक है होने दो। या इसे व्हाट्सएप कहते हैं, इसे टच करोगे तो कॉल हो जाएगी, इसे टच करते ही वीडियो कॉल, और यहाँ से तुम फोटो क्लिक कर सकती हो। मैं तुम्हारा फोन फोटो वीडियो कॉल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। सी यू बाय। तुम्हें क्या लग रही थी मैडम? ये क्या है, आपने ही तो फोटो भेजा था, अब मार क्यों रही हो? तुम्हें यही सब चाहिए ना, पर यहाँ पर नहीं, कहीं और ले चलो मुझे। यहाँ तुम्हारे हस्बैंड आ सकते हैं या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या यस यस आई गेट इट, गुड पॉइंट। तो फिर ऐसे वाइल्ड काम करने के लिए हमें वाइल्ड प्लेस पर जाना होगा। ऐसे वाइल्ड प्लेस पर ले जाने के लिए मैं नीचे रुकता हूँ, तुम नीचे आ जाना।
हे, तुम यहाँ पर हो? मैं पार्किंग में वेट कर रहा था। वैसे भी तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही फास्ट लगती हो। आओ बैठो बैठो। बाप रे, पता नहीं क्या होने वाला है। बैठो ना, आराम से बैठो। ये किसका घर है? मेरा रात को अंधेरे में चिल करने का अच्छा प्लेस है, साफ होगा, फिकर मत करो। इस प्लेस को मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चलेगा तो वो सब जलन से मर जाएंगे। चलो मेरे साथ। ओह, सब कुछ अंदर ही करना है। इट्स ओके, आई कैन वेट। आ जाओ, आ जाओ, कम। टडा, वेलकम। प्लीज, बर्फ के साथ युद्ध हो या फिर बिस्तर पे युद्ध हो, ऐसे कॉस्ट्यूम तो होने चाहिए, वरना काम नहीं होता। क्लोज। तुम हो रेडी? मैं भी रेडी। गाना बजाना, बैंड रेडी, पैक रेडी, लड़की रेडी, हम दोनों करेंगे मजे अभी। और सब गंदा करके रखा है, दोस्तों ने क्लीन नहीं किया, बुरा मत मानना। तुम अंदर आ जाओ, कम। अकम, अवेलकम, अवेलकम, अवेलकम। अब रुकना मुश्किल है। अरे निकल। क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? मतलब तुम्हें शर्म बहुत आती है, थोड़ा कॉपरेट करो। मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम थोड़ा कॉपरेट करना, ओके ना? कम ऑन, कम ऑन। ने अच्छे से बनाया इस गुड़िया को ऊपर वाले ने। God must be crazy, you know. यहाँ आने के बाद ये सब क्या है? तुम वहाँ रहोगी तो मैं यहाँ क्या करूँगा? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके एक वीडियो देखते हैं, फिर तो ऑटोमेटिक मोड अपने आप ही बन जाएगा। क्या होगा उसमें? देखो तो, देखोगी तो पता चलेगा। थोड़ा इस तरफ घूमो, थोड़ा लाइट। इसे तुम कैसे जानते हो? इसे मैं कैसे जानूंगा, रोज ग्रुप में इतने सारे वीडियोस आते हैं, आज ये कोई नया वीडियो आया है। क्या हुआ? कहीं इसके साथ तुमने भी तो कुछ नहीं? मुझे भी जाना होगा। ये क्या, स्टार्ट किए बिना? प्लीज थोड़ा आओ ना, प्लीज आ जाओ। आखिर ये सब क्या है? मैं मारने के लिए सोच रहा था और तुम मुझे मार रही हो, इस तरह से कौन करता है? तुमने मुझे मारने के लिए बुलाया क्या? अब इस वक्त कौन मिलेगा? गलत है कि नहीं? बोल, गलत है।
बाप रे। ये कैसे हुआ? इसका नाम प्रभु है और उसका नाम सुंदरी। इन दोनों की शादी हाल ही में हुई थी। रिसेंटली प्रभु की जॉब चली गई थी, तब से इसने बहुत पीना शुरू किया था। ऊपर से चिल्लाना, झगड़े, ये सब भी था। शादी से पहले भी दो बार ये सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। शायद जॉब चली गई इसी टेंशन में ये सब किया होगा। बेचारी लड़की बहुत इनोसेंट है, इसी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है। ऐसी हालत में इस लड़की का यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसे इसके गांव भेज दो, जरूरत पड़ने पर इसे वापस बुलाना होगा। हे, यहाँ बॉडी क्लियर करो। हे, हटो यहाँ से। चलो हटो, चलो चलो, पीछे हटो। Thank you.
ऐसे कैसे मर गया बेटी वो? तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था ना, और ऐसा क्या हुआ कि उसने जान दे दी? वो मरना नहीं चाहते थे पापा, मैंने ही मार दिया। आजकल को ज्यादा ही घूमने लग गई हो और मेरा ख्याल रखना भी बंद कर दिया है। मेरी नौकरी और तुमको मुझ पे गर्व था, दोनों एक बार में ही चली गई ना। ऐसा ही होता है, बिना नौकरी के जिंदगी मतलब अपनी बीवी भी भाव नहीं देती है। और हाँ, तुम किसी ज्योतिषी के पास भी गई थी ना, वैसे क्या कहा उस ज्योतिषी ने? मैंने कब बताया कि मैं गई थी? मतलब तुम जैसी गांव की लड़कियां इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकती हैं? मुझे बताइए कि आप क्या करना चाहते? मुझे क्यों मार रही है? तू जाके अपने पति को मार। मुझे ऐसा कहने के लिए तेरे पति ने ही पैसे दिए थे। मैं कमी ना हूँ, लेकिन इस मामले में मेरी कोई गलती नहीं है। तेरे पति ने बोला था, इसलिए मैंने तुझसे कहा। जा, मारना है तो अपने पति को जाके मार। उसने बता दिया क्या? ओके बॉस, कहीं का। मैंने कितनी मेहनत से प्लान बनाया था और उसने तुझे आसानी से बता दिया। चल ठीक है, अगर सारी बात सामने आ ही गई है तो क्लैरिटी में मैं करना क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें क्लियरली बताता हूँ। देखो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती ही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे एचआर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो, वो तुमसे प्यार करने लग गया है। ऐसी फीलिंग गलत है, मैं जानता हूँ गलत है, बहुत गलत है, लेकिन मुझे ये गलत नहीं लग रहा है। सॉरी सर, मैंने उस दिन आपको बहुत कुछ बोल दिया। एक्चुअली सारे फ्रेंड्स के सामने आपने बोला तो मुझे रिएक्ट करना पड़ गया। अब वैसे आपको वो हॉट एंड सेक्सी चाहिए क्या? कैसे? कैसे क्या सर, महीने की 1,00,000 रुपए तनख्वाह है मेरी, उसे 2,50,000 रुपए कर दीजिए सर, वो आपकी हो जाएगी। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो अनाथ हूं सर। मेरे लिए पैसों के इमोशन से ज्यादा कोई इमोशन मायने नहीं रखता है। यही सिचुएशन है। मैंने नौकरी पाने के लिए एचआर को उस दिन अपने घर बुलाया था कि तुम उसके साथ सो जाओगी, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। मैं यहाँ यहीं पे खड़ा था। सुनिए जी, मैंने सोचा तुम दोनों के बीच कुछ होगा, लेकिन तुमने बड़े प्यार से सुनिए जी कह के मुझे बुला लिया, वहां पे सारा प्लान बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है इसके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ? तुम ज्योतिषी के पास जाओगी, इसलिए मैंने ऑटो वाले को सेट किया। ज्योतिषी ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैंने उसे पैसे दिए थे। मेरी नौकरी चली गई, इसकी भी एक्टिंग मुझे तुम्हारे सामने करनी पड़ी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पागल हो जाऊंगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? जाओ ना सुंदरी। लेकिन अब तुम सब जानती हो, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो। क्यों? क्या कर रही हो तुम सुंदरी? पागल हो गए हो क्या? अरे क्यों सुंदरी, दिमाग खराब हो गया क्या?
मुझे दूसरे के पास भेजने वाले तुम कौन होते हो? कौन होते हो तुम? तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगी? पति हूं मैं तेरा। जो बोल रहा हूं चुपचाप सुन। तुझे पता है 2.5 लाख सैलरी हो जाएगी मेरी। इतने पैसे इकट्ठे तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। इसके लिए करूं क्या समझ नहीं आ रहा है? एक चीज करूंगा तो वो मान जाएगा, और वो चीज तुम्हें ही करनी होगी मेरी जान। ओ, वैसे भी इसमें गलत क्या है? तुम गांव से आई हो इसलिए तुम्हें ये बात बहुत बड़ी लग रही है। ये सब मामूली सी चीज है सुंदरी, बहुत मामूली सी चीज है। इससे ज्यादा और कुछ मैं डिस्कस नहीं करूंगा तुमसे। सारा मैटर क्लियर हो गया है। अब मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। शाम को वो घर पे आने वाला है। उसे जो चाहिए तुम उसे दोगी और मुझे जो चाहिए वो मुझे देगा। अगर तुमने मना किया तो जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुंदरी, समझ में आया ना? कितना बड़ा घर है सुंदरी। हमारे पास पैसे रहेंगे तो हम खुशी से अपनी जिंदगी बिताएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात मान लो मेरी बात। माननी ही पड़ेगी, मानोगी नहीं तो जाओगी कहाँ जाओगी? तुम्हें टाइम चाहिए क्या? जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, लेकिन मना मत करना, मना मत करना। डिसाइड किया तुमने? ये तुमने क्या किया बेटी? वो अगर बुरे इंसान थे तो पुलिस को या हमें बताती। मार क्यों डाला बेटी? पत्नी का फर्ज है पति को खुश रखे, पर अगर पति चाहे कि वो किसी और के पास जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। उसे सजा मिलनी चाहिए। इतना सब हो जाने के बाद तुम जिंदा क्यों हो? आज नहीं तो कल पुलिस को पता चल जाएगा, उसके बाद पूरे गांव को पता चल जाएगा। तुम जिंदा रहकर क्या करोगी? नहीं पापा, जिंदा रहना होगा। किसके लिए? मेरे आने वाले बच्चे के लिए।